अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी को यहाँ प्रदेश की सत्ता पर काबिज करने के लिए इस प्रदेश को अपना माँ बाप बताकर वे खुद को प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा भी बताकर यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का कितना भी खिलवाड़ क्यों ना कर लें, कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना कर लें, तो भी प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र नीति व नियत आदि से दुखी होकर अभी चुनाव में इनको कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। हम तो पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से कि आपने तो कहा था कि अच्छे दिन लाओगे, बताओ अच्छे दिन कहाँ चले गए? लोगों को, हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया। हम लोग आप लोग सब 500,000 रुपए नोटबंदी के चक्कर में लाइन में लग गए और न जाने कितने लोगों को तकलीफ पहुंची, परेशानी हुई। 500,000 रुपया बंद होने से परेशानी हुई, आपको सब पैसा जमा करा लिया, कोई पैसा बचा भी नहीं। बताओ किसी ने पुराना 500,000 रुपया बचाओ तो बता दो, सब जमा हो गया। हम तो पूछना चाहते उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि गरीबों के अकाउंट में हम 15,00,000 रुपए भिजवा देंगे। 15,00,000 रुपए तो दूर, अगर 15,000 रुपए अकाउंट में भिजवा दिए होते। आपके गांव में घरों में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आती है? किसानों का धान खरीदा जाता है, गन्ना किसान का भुगतान होता है। मित्रों, हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? हर गांव में अस्पताल बना है, सस्ती दवाई की दुकान बनी है, महिलाओं की सुरक्षा है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक है? आप सब में ना ना नहीं नहीं कह रहे हैं तो अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि भाई काम बोलता है?